बदले सनम दर्द दिल ले चुके, दिल के बदले सनम दर्द दिल ले चुके, DJ SK 986 status. दोस्तों नमस्कार, मैं राजीव कुमार आप सबों का आर्य एंड भव्य हिंदुस्तानी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों जैसा कि आपने अभी ये देखा है VFX वीडियो, तो ऐसा वीडियो आप भी सिंपली काइन मास्टर की मदद से बना सकते हैं और किसी भी सोशल मीडिया पर अपलोड कर सकते हैं। तो मैं आपको ये सारी प्रोसेस बताऊँगा काइन मास्टर में कि ये वीडियो कैसे बनाते हैं। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हम आप लोगों को बता दें कि इस चैनल पर जो भी नए मेहमान हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि मैं ऐसे ही एडिटिंग वीडियो हमेशा लाते रहता हूं। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम काइन मास्टर को ओपन कर लेते हैं, उसके बाद सिंपली प्लस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे, 9:16 पर क्लिक करेंगे, मीडिया पर चलेंगे और उसके बाद बैकग्राउंड में कोई भी कलर ले लेंगे और इसका रेशियो थोड़ा हम बढ़ा देंगे। उसके बाद लेयर पर चलेंगे, मीडिया पर चलेंगे और यहाँ से हम एक वीडियो ले लेंगे, फील्ड और स्काई वाला ये वीडियो हम यहाँ पर ले लेंगे। तो इस वीडियो का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपको लेयर पे चलना है, मीडिया पे चलना है, उसके बाद आप जो भी फ़ोटो लगाना चाहते हैं उस फोटो को कुछ इस तरह से एडजस्ट कर दें, उसके बाद ओके कर दें। इस फोटो का रेशियो भी आप वहाँ बढ़ा दें, उसके बाद इस फोटो पर क्लिक करके और इसको 3 डॉट पे जाके सेंड टू बैक कर दें। उसके बाद ये जो नेचुरल वीडियो बैकग्राउंड है इसका क्रोमा की में जाके इनेबल कर दें और कुछ इस तरह से एडजस्ट कर दें, कुछ इस तरह से। उसके बाद लेयर पे चलेंगे, मीडिया पे चलेंगे और एक वीडियो और ले लेंगे यहाँ पर, ग्रीन स्क्रीन वाला वीडियो। और ये जो ग्रीन स्क्रीन वीडियो है इसका लिंक भी आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें जितने भी वीडियो का प्रयोग किए हैं उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना, जो कि लाइकी टिकटॉक पहले जो फेमस था उसका हम ले लेंगे और उसका इस ग्रीन स्क्रीन वीडियो को हम फुल साइज में कर लेते हैं। उसके बाद ये जो ग्रीन स्क्रीन वीडियो है, ग्रीन स्क्रीन वीडियो के मुताबिक ही कट कर दें सारे चीज़ें। उसके बाद ये जो ग्रीन स्क्रीन गर्ल वाला ग्रीन स्क्रीन है इसका क्रोमा की में जाके और इस प्रकार से इनेबल कर लें और कलर फिल्टर में थोड़ा एडजस्ट कर लें, कुछ इस तरह से, इस तरह से। जो एक्स्ट्रा पार्ट बच जाता है उसको आप कट कर दें। तो उसके बाद आप ये जो नेचुरल वाला है इस पर क्लिक करके साउंड को म्यूट कर दें, उसके बाद आप इसको प्ले करके देख सकते हैं आपका वीडियो कुछ इस प्रकार से बनकर रेडी हो चुका है। अब आप इस VFX वीडियो को किसी भी सोशल मीडिया पर अपलोड कर सकते हैं और वायरल हो सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी और आप सीख भी गए होंगे और आगे बनाएंगे भी। तो दोस्तों हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि वो भी ऐसा VFX वीडियो बनाना सीख ले। तो हमारे इस चैनल पर अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो फिर मिलते हैं नए एडिटिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।